मैं आपको बताऊंगा डेंजर की बात, मतलब खतरे की बात। हा? हमारी बॉडी पे तीन जगह है जो डेंजर जगह है, जहां किसी और को आपको कभी टच नहीं करना चाहिए, हाथ नहीं लगाना चाहिए, छूना नहीं चाहिए। कौन से वो तीन जगह डेंजर जगह बॉडी पर, ये देखिए हमारे पास डायग्राम भी है। एक छाती, दूसरा टांगों के बीच में, और तीसरा बॉटम पे, मतलब पीछे साइड। ठीक है, फिर से बोलो। एक बॉटम, बॉटम, दूसरा चेस्ट, चेस्ट, तीसरा पार्ट बिटवीन द लेग्स। हाँ, अभी इसमें एक बहुत जरूरी बात है कि हो सकता है आपके मम्मी डैडी जब आपको नहला रहे हैं तब वो शायद आपको यहाँ पे टच करेंगे नहलाने के टाइम पे, ठीक है, या कभी कभी डॉक्टर टच करेगा। लेकिन अगर माँ बाप साथ में हैं तभी डॉक्टर आपको ऐसे छू सकता है, नहीं तो डॉक्टर भी नहीं छू सकता है। अच्छा, अभी अगर डेंजर जगह पे टच कर रहे हैं तो हमको क्या करना चाहिए? मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि आप लोग जोर से चिल्ला सकते हो? हाँ, हाँ। चिल्ला के दिखाओ मेरे को। अरे बाप रे, ओके, वेरी गुड। तो अगर किसी बड़े आदमी ने आपको ऐसे गलत तरीके से गलत जगह पे, डेंजर जगह पे, ये तीन जगह पे कभी छुआ तो आप सबसे पहले जोर से चिल्लाना, नो, नहीं, ऐसा चिल्लाना, ओके। दूसरा, हम वहां से भाग जाएंगे। भाग के किधर जाओगे आप? घर। आप भाग के जाओगे या तो घर जाओगे, यहां किसी सेफ जगह पे जाओगे, किसी सुरक्षित जगह पे जाओगे जो वहां से नजदीक हो। कभी कभी आप घर पे नहीं हो, आप स्कूल में हो, तो आप स्कूल में अगर टॉयलेट में कभी किसी ने ऐसा किया तो आप भाग के टीचर के पास जाओगे, क्लासरूम में जाओगे, प्रिंसिपल के ऑफिस में जाओगे। और तीसरा, हमको मम्मी डैडी को बोलना है, या मम्मी डैडी हो सकता है उस वक्त ना हो तो आप किसी ग्रैंडपा, ग्रैंडमा, टीचर, कोई भी एक बड़े आदमी को जिस पे आपको भरोसा हो कि ये आदमी मुझे मदद करेगा, ये मुझे हेल्प करेगी आंटी, तो उसको बोलो कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो कोई आपको प्यार से गले लगाएगा तो उसमें कोई बुरा नहीं है, अंकल आंटी गले भी लगा सकते हैं, प्यार भी कर सकते हैं। लेकिन आपको अगर लगे कि अरे ये डेंजर जगह पे ये मेरे को क्यों टच कर रहे हैं, ये वो कोई भी हो सकते हैं, कोई भी वो हो सकते हैं, जहां आपको अच्छा नहीं लगा आप पहले क्या करोगे? चिल्लाओगे। दूसरा, आप वहां से भाग जाओगे, किसी सुरक्षित जगह पे जाओगे। और तीसरा, अपने बॉडीगार्ड को बोलोगे। गॉट इट? सब समझ गए? एक्सीलेंट।